सो वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस, आई एम ऋषि। आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है अमेजोन सेलर्स के लिए, क्योंकि अमेजोन पे बहुत टाइम से मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर अमेजोन पे वीडियो बनाओ, अमेजोन के एडवर्टीजमेंट पार्ट पे स्पेशली बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है अमेजोन एड्स के बारे में। वैसे तो देखिए, कोई भी मार्केट प्लेस पर आप सेल करते हो, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे हो, अमेजोन पे हो, मीशो पे हो, मैं बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि एडवर्टीजमेंट को सपोर्ट करता हूँ। मैक्सिमम टाइम मैं ऑर्गेनिक सेल्स, प्रमोशंस, डील्स पे ही प्रेफर करता हूँ। बट फिर भी हमें एडवर्टीजमेंट सीखना ज़रूरी है, टाइम टू टाइम हमें उनको प्रमोट, उनको लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट प्लेस उसी से कमाते हैं और मार्केट प्लेस जो एडवर्टीजमेंट लगाएगा उसको प्रमोट भी करते हैं उसका प्लेटफॉर्म। तो कुछ क्वेश्चन भी थे कुछ सेलर्स के, उनका मैं बता दूं। कई कुछ सेलर का ये बोलना था, सर वीडियो बहुत लंबी होती है आपकी, तो ऑब्वियसली समझाना है तो थोड़ा यार लंबी तो होगी। दूसरा किसी ने मुझे ये भी बोला था कि जो अकाउंट आप दिखाते हैं बार बार एक ही अकाउंट दिखाते हैं, तो यार हर सेलर का अकाउंट नहीं दिखा सकते क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है, हर कोई परमिशन नहीं देता है। दूसरी चीज़, कोई भी मेरा अकाउंट नहीं होता है, मेरे क्लाइंट्स का ही अकाउंट होता है, राइट। और इन पे जो सेल्स हैं आप इनके पीछे मत जाइए, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट्स पिछले 6 महीने 1-1 साल से हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर पहुँचने के लिए टाइम लगता है, अचानक से नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी हेल्प मिले आपको इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपको जैसे पता होगा, जब भी आप अमेजोन के सेलर पोर्टल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट का टैब मिलता है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट में टैब पे अलग से जा सकते हैं। तो ये आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास एडवर्टीजमेंट का टैब आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चलाया है सेलर ने। ये जो एक एडवर्टीजमेंट चलाया था एक ज़माने में सेलर ने अपने एंड से चलाया था, जिसका कि रिजल्ट बहुत ही बेकार आया था, आप देख सकते हैं बहुत ही बेकार रिजल्ट है। 5,000 रुपये जाके भी 1,000 की सेल है, तो बहुत ही बेकार है। तो इस वजह से जब भी आपको नॉलेज अगर एडवर्टीजमेंट की नहीं है, तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप ऐड चलाओ। ऐड आप तभी चलाओ जब आपको एडवर्टीजमेंट का प्रॉपर नॉलेज हो, उसके बाद ही, राइट। तो एडवर्टीजमेंट टैब को हम अच्छे से समझेंगे, एडवर्टीजमेंट की प्लानिंग हम अच्छे से समझेंगे, ताकि एटलीस्ट आपका जो एडवर्टीजमेंट का आप हेल्प ले रहे हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, वो सफल हो सके, राइट। तो इस पूरे कैंपेन को मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, सब टैब्स को अच्छे से समझाने वाला हूँ, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जब इस पेज पे आते हैं तो आप देख सकते हैं अमेजोन एड्स का पेज है, यहाँ पे कैंपेन लिखा हुआ। हम एक वन बाय वन बेसिक से समझेंगे, ताकि टैब भी समझ जाएं और कैंपेन क्रिएट करना भी समझ जाएं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन आपको टाइम देके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैनेजमेंट का टैब है। मैनेजमेंट मतलब जो जो आपने एड्स क्रिएट करे होंगे उनका डेटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जैसे कितना आपने स्पेंड किया है एड पे अभी तक, तो 5,081 रुपये स्पेंड किया है। उसके बाद सेल्स कितना आपको उससे जनरेट हुआ है। उसके बाद ये आप अगर स्पेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ग्राफ भी नज़र आएगा, ये है आपने 1 फरवरी को ये स्पेंड किया है। आप और भी स्पेंड करेंगे तो ग्राफ यहाँ पे बनता जाएगा, अभी सिर्फ एक ही स्पेंड हुआ है, ये भी गलती से किया है तो डेफिनेटली इसका कोई ग्राफ होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सेल्स का यहाँ पर है, सेल्स कितनी हुई है, तो यहाँ पर आप इसका भी ग्राफ देख सकते हैं कि कितने सेल्स कितने स्पेंड करके हुई है। नेक्स्ट है ROAS। ROAS का सिंपल सा आप फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड, राइट, कि आपने जितना एड स्पेंड किया है उसके अगेंस्ट में आपको सेल कितना हुआ है, तो सेल्स डिवाइड बाई स्पेंड अगर आप करेंगे तो ROAS निकल जाएगा, राइट। तो ये सैंडल कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज ROAS अलग अलग हो सकता है। ROAS का मतलब है कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिला है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.28% शो कर रहा है, इसका मतलब बहुत ही बेकार रिजल्ट है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, जब भी एडवर्टीजमेंट, अगर एक अच्छा एडवर्टीजमेंट आप चलाते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो 6 से लेके 15, 20, 25, 30 कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम 6 का तो रखना पड़ेगा आपको। कैटेगरी वाइज ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट बिका और सीधे 1 लाख की सेल है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, तो कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे इंप्रेशन है कि इतने एड्स में आपके कितने इंप्रेशन, कितने बायर को आपका प्रोडक्ट शो हुआ है, तो वो है 4,24,000 एक सेलर बायर को आपका एडवर्टीजमेंट शो हुआ था। तो इंप्रेशन पे कभी भी नहीं काटता है अमेजोन पैसा, पैसा हमेशा कटता है क्लिक पे, जितने आपके एड पे क्लिक होंगे उतना आपका पैसा कटेगा। तो किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट टैब में ही थोड़ा अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन है, जहाँ पे आप अलग अलग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। यहीं से कैंपेन क्रिएट करने होते हैं, कैंपेन का मतलब सिंपल से एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना। यहाँ पे आप कोई कैंपेन आपने रन करा था
पास्ट में उसको सर्च करना चाहें तो वो यहाँ पे सर्च करके उसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं आपने टारगेटिंग के हिसाब से, बजट के हिसाब से, इनको हम अभी बाद में समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम है अलग अलग, डेट रेंज आप लगा सकते हैं, चाहे तो एक्सपोर्ट करके ये सारी डिटेल्स एक फाइल में ले सकते हैं। ये डिटेल्स क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अभी एक कैंपेन लगाया हुआ था, जो ये कैंपेन था 5000 वाला, इस कैंपेन का नाम ये है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट नाम होता है, यही नाम रखा जाता है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते थे बनाते समय। स्टेटस इसका आर्काइव्ड है, मतलब ये अभी रोक लिया गया है। टाइप ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड है, ठीक है। तो तीन टाइप की एडवर्टीजमेंट होती है अमेजोन पे, वो हम आगे देखेंगे। स्टार्ट डेट इतना था, एंड डेट इतना था, बजट इतना लगाया गया था। उसके बाद टॉप ऑफ सर्च आईएस इम्प्रेशन शेयर, मतलब कितनी बार आपका जो प्रोडक्ट है सर्च करने के बाद जब बायर ने कुछ सर्च किया होगा तो फर्स्ट पेज पर आया था, ओनली ऑन फर्स्ट पेज, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस देन 5% है, तो इसको कोशिश करें कि 10-20% से तो ऊपर ही रखिए इसको, ठीक है। उसके बाद स्पेंड है, कितना स्पेंड हुआ है, ऑर्डर्स कितने आए हैं, सेल्स कितना आया है और उससे ROS कितना मिला है, ये ऊपर भी डेटा आपके सामने अवेलेबल था। आप चाहें तो अगर इसी एडवर्टीजमेंट को, कोई एडवर्टीजमेंट आपका अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद एडिट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, यहाँ पे अगेन स्टार्ट डेट आज की जैसे डल जाती है, एंड डेट डाल के और यहाँ पे कॉपी कैंपेन करके इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। बट ये बहुत अच्छा नहीं चला था तो ऑब्वियसली इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप इस कैंपेन को, अगर ये एक्टिव होता तो यहीं से आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद कैंपेन की और डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। ये देखिए डिटेल्स आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी अगर कोई बड़े एडवर्टीजमेंट आप चलाते हो तो यहाँ पे डिटेल्स में इन सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने, कि आपका इससे क्या क्या रिजल्ट रहा था। देख सकते हैं प्लेसमेंट हो गया, नेगेटिव टारगेटिंग हो गया, जैसा भी आपने एडवर्टीजमेंट चलाया था उसका सारा रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। इन सब को समझने के लिए हम एक एडवर्टीजमेंट अभी चला के देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस आर्काइव्ड है, आप चाहें तो इसको लाइव कर सकते थे लेकिन नहीं, इसकी एंड डेट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो आपको अगर किसी एड को आप चला रहे हैं और एंड डेट नहीं डाली है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रेगुलर उस पर पैसा आपका कटता जाएगा। और इस केस में सेलर के साथ यही हुआ था, सेलर ने 8 फरवरी को चलाया था और नो एंड डेट लिखा हुआ था, बजट डेली का 500 रुपये रखा था, तो वो हर दिन ऑटोमेटिकली चलता गया। फिर सेलर ने मेरे को कांटेक्ट किया और फिर मैंने इसको पॉज किया था लगभग 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तक कंटिन्यू 500 रुपये कटते गए सेलर के, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर से आप एड्स पेज पर आने के लिए अमेजोन एड्स पर क्लिक करते हैं। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ये वाला पेज हमने समझ लिया है, मैनेजमेंट वाला पेज। अब हम जाएंगे ड्राफ्ट पेज में। ड्राफ्ट पेज में वो कैंपेन्स होंगे जो आपने स्टार्ट करने की कोशिश करी थी लेकिन आपने उसको फाइनल लॉन्च नहीं किया था, तो वो क्रिएट कैंपेन यहाँ पर आ जाएगा, वो कैंपेन्स यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। लेटर ऑन आप जब चाहें उस कैंपेन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इस कैंपेन को चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर एडिट कैंपेन का ऑप्शन है, यहीं से आप इसको एडिट करके आप इसको दोबारा रन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बजट का कॉलम है, यहाँ पर अगेन वही मैट्रिक्स दिखाएगा जो मैट्रिक्स आपके मैनेजमेंट में दिखा रहा था, आप देख सकते हैं बजट के। यहाँ पे बजट ऑब्वियसली बजट सेंट्रिक है, तो ये अभी बीटा वर्जन में है तो इसका अभी आपका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट टारगेटिंग का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आप बहुत सारे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चलाते रहते हैं, अभी आपने यहाँ पे मैनेजमेंट में देखा था, एक बार देख लेते हैं, स्पेंड आपने इतना किया, सेल्स आपने इतनी करी, ठीक है। उसके बाद ROS आपका इतना निकला था। अब ROS के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको अमेजोन में कहते हैं ACOS, ACOS, ये होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब एक सेल को क्रिएट करने के लिए कितना रुपया आपका लगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 6 ऑर्डर आए, ठीक है, 6 ऑर्डर आए और ACOS उस हिसाब से पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ, तो टोटल मनी स्पेंड डिवाइड बाई टोटल ऑर्डर्स, तो लगभग इतना आपका एवरेज रहा एक सेल्स को निकालने के लिए। तो ये बहुत ही बेकार रिजल्ट है आपका, ये कम से कम 15% से तो नीचे होना चाहिए, राइट। 15% हो, 10% हो, 8% भी होता है कई सेलर्स का, 5% भी होता है,
तो जितना कम हो उतना बेहतर है, 355 बहुत बेकार रिजल्ट यहाँ पर होता है। वही चीज़ का यहाँ पर ग्राफ भी आपको मिल जाएगा। सेम यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो जो भी आपने अभी तक कैंपेन चला रखे हैं उनकी टारगेटिंग यहाँ पे दिखाई जाएगी आपको, जैसे फर्स्ट लूज मैच, क्लोज मैच, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। तो इस तरीके की टारगेटिंग होती है। लूज मैच का मतलब जो सेलर ने टाइप किया था, सॉरी बायर ने टाइप किया था, उससे मिलता जुलता तो आपका प्रोडक्ट नहीं था लेकिन फिर भी मैच हो गया, तो उसका यहाँ पे डिटेल्स हैं। उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आएगा। सेम यहाँ पे उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, मतलब सेलर बायर ने लिखा कि मुझे भाई कॉटन बेडशीट चाहिए, 5 बेडशीट चाहिए, आपने 5 की जगह में 10 लिख रखा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अगेन सेम चीज़ कॉम्प्लीमेंट्स में भी आती है कि किसी ने कॉटन बेडशीट लिखा तो कॉटन बेडशीट की बजाय आप किसी और टाइप की बेडशीट सेल कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अलग अलग टाइप के टारगेट हैं और इनके क्या क्या रिजल्ट रहे हैं ये आपके सामने आ जाएगा। इसको ऑब्वियसली ये चीज़ का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन आप जब बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो ये एनालिसिस करने के लिए आसान रहता है कि किस तरीके से मेरा एड मेरे बायर को दिख रहा है, राइट। तो ये वाला टैब हमारा हो गया। नेक्स्ट सेटिंग का टैब है। सेटिंग टैब को थोड़ा आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे दो तरीके से आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। एक होता है यूज़ कैंपेन लेबल बजट, मतलब जितना आप कैंपेन, ऑब्वियसली आप अलग अलग कैंपेन चलाओगे तो जितना आप कैंपेन में बजट रखोगे उतना ही यूज़ होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है यूज़ डेली बजट कैप। यहाँ पे आप डेली बजट का एक कैप सेट कर सकते हो। मान के चलिए आप बहुत सारे एड्स चला रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि मेरा डेली का 1000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड ना हो, तो यहाँ पे आपको 1000 सेट कर देना है, सेव कर लेना है। इससे क्या होगा, आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चला रखे हैं, किसी कोई 100 रुपये पर डे, कोई 200 रुपये पर डे, 50 रुपये होता है अमेज़ॉन में मिनिमम पर डे का एक एडवर्टीजमेंट का, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे मिनिमम 50 रुपये लिख सकते हैं और मैक्सिमम तो कितना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आ भी गया है 50 रुपये। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम, मान के चलिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग कर रहा हूँ अभी बिजनेस की, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि भाई 500 रुपये पर डे ही मुझे ऐड चलाना है। इसको हम 500 कर देते हैं और 500 करने के बाद अगर हम सेव करेंगे तो ये मेरा डेली जितने भी मैं ऐड्स चलाऊँगा उनमें टोटल 500 रुपये से ज़्यादा खर्चा किसी में भी डेली में नहीं होगा। जब भी 500 से ज़्यादा होगा तो वो पॉज हो जाएगा। तो इसको आप चाहें तो ये रख सकते हैं, नहीं तो आप यूज़ कैंपेन लेवल बजट भी कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये सेटिंग हो गई। यहाँ पे हिस्ट्री है नेक्स्ट ऑप्शन। हिस्ट्री में अगेन जो आपने एडवर्टीजमेंट चलाई है उनकी हिस्ट्री आएगी कि कब आपने एडवर्टीजमेंट चलाया था, कब आपने वो पॉज किया था, कब आपने वो अबॉर्ट किया था, कब आपने उसमें एडिट किया था, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे वन बाय वन, मतलब आपकी जैसे कॉल रिकॉर्ड्स हिस्ट्री होती है वैसे ही यहाँ पे कैंपेन रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप ये सारे कॉलम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगेन मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, जो अपना मेन कॉलम है। थोड़ा लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, क्या क्या समझने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड एड जो पेज हमने ओपन कर रखा है, यहाँ पे स्टोर्स का ऑप्शन है। अमेज़ॉन पे आप देखते हैं अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग स्टोर होते हैं, तो आपके पास अगर ब्रांड का ट्रेडमार्क है तो आप अपना अमेज़ॉन का स्टोर भी बना सकते हैं। यहाँ से क्रिएट स्टोर करना है। स्टोर क्रिएट करने से पहले अमेज़ॉन की ब्रांड रजिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी, तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो अभी मैं एडवर्टीजमेंट जो आपको सिखा रहा हूँ वो ये मान के समझ रहा हूँ कि आपका ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है आपके पास, आपके पास स्टोर नहीं है, ब्रांड का ट्रेडमार्क नहीं है, आप एक नॉर्मल सेलर हैं जो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। बाकी आपका अगर स्टोर है, ब्रांड रजिस्ट्री है तो वेल एंड गुड, तब तो और भी बढ़िया है आपके लिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट का ऑप्शन है। जितने भी एडवर्टीजमेंट हमने चलाए थे उनका हम चाहें तो रिपोर्ट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिएटिव्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अभी न्यू स्टार्ट हुआ है अमेज़ॉन में, अभी हमारे काम का नहीं है तो इसको हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे, एक्सेस एंड सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको भी आपने अपने अमेज़ॉन अकाउंट का एक्सेस दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा कि किस किस को आपने अपने अमेज़ॉन अकाउंट का एक्सेस दिया था। उसके बाद बिलिंग एंड पेमेंट, जो भी आपने आज तक अमेज़ॉन एड्स के लिए बिलिंग करी थी उसका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि अमेज़ॉन पे जब भी आप एड्स करते हैं तो आपका जो पैसा है वो आपके आने वाली जो भी पेमेंट्स है उसमें से कटेगा,
अगर आपकी आने वाली कोई पेमेंट नहीं है तो आप ऐड चलाओ, वो माइनस में चला जाएगा, बाद में आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, राइट। बट एक्स्ट्रा आप अपने एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से इस तरीके से पैसा ऐड नहीं कर सकते जैसा कि फ्लिपकार्ट में होता है, राइट। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन आप समझ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मोर डिटेल्स में आके फिर से आप सेलर सेंट्रल पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनेज पार्टनर का भी ऑप्शन है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी को चाहते हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट रन करे, आपका एडवर्टीजमेंट को एडजस्ट करे, गाइड करे, तो उसके लिए आप पार्टनर डायरेक्टरी पे जाके और पार्टनर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम फिर से आ जाते हैं मैनेज कैंपेन पे, कैंपेन मैनेजर पे आ जाते हैं। तो कैंपेन मैनेजर पे अब हम आ चुके हैं। आई होप सारे ऑप्शन यहाँ लेफ्ट में भी, अबव में भी आपको सारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एक आइडियल अच्छे टाइप का एडवर्टीजमेंट आप कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। मैं जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए, तीन टाइप के एडवर्टीजमेंट हम अमेजोन पे चला सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। पहला स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड चला सकते हैं। आपके प्रोडक्ट, जब भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट या रिलेटेड कीवर्ड या रिलेटेड कोई भी टर्म बायर सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट आगे आएगा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड में आपका अपना ब्रांड पे आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये तभी होगा जब आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई होगी। एनरोल करना पड़ेगा इसके लिए आपको ब्रांड, तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड आप यहाँ पे कर सकते हैं, ब्रांड्स पे प्रमोशन चला सकते हैं या स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले पे चला सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन पे तो डिस्प्ले होगा ही, आउटसाइड अमेजोन भी, जैसे अमेजोन कभी कभी फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी ऐड करता है, वहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी ब्रांड रजिस्ट्री ज़रूरी है। तो अभी फिलहाल इन दो को छोड़ के हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट बेसिक समझेंगे। कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने क्रिएट एड्स का ये पेज आता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लॉन्च कैंपेन का ऑप्शन है, यहाँ से आपने लॉन्च करना है कैंपेन को। कोई अगर ड्राफ्ट में सेव किया हुआ है तो आप जहाँ पे ड्राफ्ट हमने देखा था वहाँ से एडिट कर सकते हैं। क्रिएट कैंपेन में सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे, आप गाइडेंस भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। कैंपेन नेम का ऑप्शन है, कैंपेन नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेम आ चुका है, डेट आज की और आज अभी का टाइम, तो आप चाहें तो यही रख सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ नाम रख लें जिससे कि आपको पता चल जाए। जैसे मान के चलिए मैं विमेन सैंडल पे अभी एड चलाने वाला हूँ, तो इसको ये रख लेते हैं। और डेट भी मैं, डेट तो देखिए ऑब्वियसली डेट टाइम जो होता है वो ऑटोमेटिक डेटा में आपको मिली जाएगा, हिस्ट्री में मिली जाएगा। विमेन सैंडल मैंने इसका नाम लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे अगर मैं डाउन क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने पोर्टफोलियो का सिंपल सा मतलब है, आप देखिए हर बार अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाओगे अपने अकाउंट पे, तो आप चाहें तो उनका एक ग्रुप बना सकते हैं, उसी को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। तो नो पोर्टफोलियो भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना कोई भी एक पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस ब्रांड के प्रोडक्ट पे अपने एड्स चला रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएट करने का यहाँ से ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। एड्स मैनेजर में हम चले जाते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा इस साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ क्रिएट पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी नेम का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, एड्स तो आपने बहुत चलाई होंगी लेकिन एक पर्टिकुलर कुछ एड्स को आप अगर एक ही ग्रुप में रखना चाहो तो ग्रुप यहाँ से बना सकते हो, उसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कैंपेन में हमने नाम रख लिया था विमेन सैंडल, ठीक है। पोर्टफोलियो में हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं अपने इस ब्रांड पे चलाने वाला हूँ। स्टार्ट डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, आज की डेट हो जाएगी। और जब भी आप कैंपेन को लॉन्च करेंगे, जैसे मान के चलिए आज से आपने शुरू किया है कैंपेन लॉन्च करेंगे, तो एक घंटे बाद वो लाइव हो जाएगा। लाइव कैसे हुआ है ये देखना है अगर, तो आप मैनेजमेंट जहाँ पे आपकी प्रमोशन, सॉरी जहाँ पे आपके एडवर्टीजमेंट की लिस्ट आती है वहाँ पे डिलीवरिंग शो होगा, या आप जाके बायर पोर्टल पे देख सकते हैं कीवर्ड डाल के अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने एंड डेट डाल देनी है। एंड डेट आप कोशिश करें कि देखिए आज से अगर आप ऐड चला रहे हैं तो कम से कम कंटिन्यू एड्स चलाना सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो आप कम से कम 10 दिन तो कंटिन्यू चलाएं एड्स को।
अगर 10 दिन नहीं चला पा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन ही चला रहे हैं, तो उससे बहुत कम कन्वर्जन मिलता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि 10 दिन या 14 दिन या 15 दिन तो कम से कम आप रखिए एडवर्टीजमेंट। तो अभी मैं 15 दिन सजेस्ट करूंगा कंटिन्यू। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखना है क्लियर, तो 15 दिन कंटिन्यू एडवर्टीजमेंट चलना चाहिए, राइट। तो अभी 27 जुलाई है, तो लगभग हम यहाँ पे 10 जुलाई तक का टाइम, सॉरी 10 अगस्त तक का टाइम डाल देते हैं एंड डेट, ठीक है। अगर आप एंड डेट नहीं डालोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि डेली बजट आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, तो एंड डेट ज़रूर डाल लें, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्लेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंडिया ही है डिफ़ॉल्ट। डेली बजट मान के चलिए मैं अभी शुरू में सिर्फ डेली बजट डालता हूँ 100 रुपये, ठीक है। मिनिमम 50 आप डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी डाल सकते हैं। तो 27 से 10 अगस्त तक लगभग 14 दिन का ऐड चला रहा हूं मैं, और 100 रुपये मतलब मेरे लगभग 1400 रुपये यहाँ पे खर्च हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं टारगेटिंग के ऊपर। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग कर सकता हूँ, मैनुअल टा अगर आप न्यू सेलर हैं और आज तक आपने एडवर्टीजमेंट नहीं चलाई है या कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग करिए। आपका ऑटोमेटिक अमेजोन आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड पे आपका टारगेटिंग कर देगा, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। बट अगर आप मैनुअल टारगेटिंग करना चाहें तो मैनुअल टारगेटिंग करना। ऑटोमेटिक टारगेटिंग तो देखिए आपको पता चली गया, मैं आपको मैनुअल टारगेटिंग करके दिखा देता हूँ। मैनुअल टारगेटिंग का मतलब जो कीवर्ड मैं सेलेक्ट करूँगा उसी कीवर्ड पे मेरा प्रोडक्ट कस्टमर को दिखेगा, राइट। तो मैनुअल टारगेटिंग यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी हम देख लेते हैं। अब देखिए आपको जैसे मैंने बताया कि आपने डेली का 100 रुपये तो रख लिया, अब आपको पर क्लिक पे कितने रुपये देना चाहते हो आप अमेजोन को, ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको बिडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बिडिंग जो है वो आप किस तरीके की रखना चाहोगे, यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले डायनेमिक बिड डाउन ओनली, इसमें क्या होगा कि जैसे मान के चलिए आपने बिडिंग रखी हुई है 3 रुपये, एग्जाम्पल रखते हैं 3 रुपये, तो आपके हर क्लिक पे 3 रुपये कटेंगे, राइट, क्योंकि अमेजोन आपको क्लिक्स दे रहा है। बट डायनेमिक बिड डाउन ओनली अगर आप सेलेक्ट करोगे तो अगर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक होते हैं तो 3 रुपये तो कटेंगे, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक हो रहे हैं लेकिन कन्वर्जन बहुत कम हो रहा है, मतलब सेल्स बहुत कम हो रही है, तो धीरे धीरे वो 3 से नीचे आपसे चार्ज करना शुरू करेगा अमेजोन। तो शुरू अगर आपने लो बजट लगा रखा है, जैसे 100 तो लो बजट है, तो आप डाउन ओनली में इसको रखिए। अगर आप चाहते हैं अप एंड डाउन हो ऑटोमेटिक, अगर सेल्स ज़्यादा हो रही है तो 3 रुपये की बजाय कभी 4 भी कट जाए, तो ऑब्वियसली इसको अमेजोन प्रेफर इसी को करेगा, तो आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपका डेली बजट 500 का तो होना चाहिए। एक फिक्स्ड है, तो आप नए हैं तो फिक्स्ड भी रख सकते हैं या डायनेमिक बिड डाउन ओनली रख सकते हैं। उसके साथ साथ एडजस्ट बिड प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, तो आप चाहते हैं कि टॉप ऑफ सर्च पेज पे जब भी फर्स्ट पेज पे आपका प्रोडक्ट दिखे, तो बिडिंग से मान के चलिए यहाँ पे 10% ज़्यादा आपका डिडक्ट हो, राइट। जब भी टॉप ऑफ सर्च पेज पे आपका प्रोडक्ट होगा, शो होगा, कोई क्लिक करेगा, तो मान के चलिए आपने बिडिंग 3 रुपये रखा हुआ है, तो 3 रुपये 30 पैसे आपका कटेगा। प्रोडक्ट पेज पे अगर आप प्रायोरिटी देना चाहें तो इस पे प्रायोरिटी दे सकते हैं 20% की, ठीक है। बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट जो सर्च होता है वो टॉप ऑफ सर्च पेज से ही, क्योंकि कभी भी अमेज़ॉन पे या कोई भी पोर्टल पे कोई कस्टमर बाई करता है तो वो सर्च करके ही बाई करता है। तो इसको आप 10% या 20% के आसपास रखिए, और इसको आप नॉर्मल ही रखिए। अगर आप इसमें 0 रखेंगे तो नॉर्मल आपकी 3 रुपये पर क्लिक पे जाएगा। इस 3 रुपये को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ये एग्जांपल के लिए जस्ट दिया गया है। बाकी टॉप ऑफ सर्च पेज में थोड़ा आप ज़्यादा ही रखें तो बेहतर है, ताकि इसको प्रायोरिटी मिले, राइट। ये 20% मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है। अब सेटिंग्स हमने एडजस्ट कर ली हैं, अब क्रिएट कैंपेन शुरू करते हैं। क्रिएट एन ऐड ग्रुप, ठीक है, तो ये कैंपेन का नाम है और ये उसका ऐड ग्रुप है, ठीक है। तो ऐड ग्रुप हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, या इसको हम एक काम करते हैं वुमेन सैंडल इसमें लिख लेते हैं, क्योंकि हमने वुमेन सैंडल पे एडवर्टीजमेंट चलाया है, तो वुमेन सैंडल। बाकी डेट एंड टाइम यहाँ पे हम ऐसे ही रखेंगे। अब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ उन प्रोडक्ट्स पे एडवर्टीजमेंट चलाना जो हमारे जिन पे क्लिक्स नहीं आ पा रहे हैं, प्रोडक्ट में दम है, आपकी प्राइसिंग अच्छी है, फोटो अच्छी है, रेटिंग अच्छी है, बट उस पर क्लिक्स नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट आप देखिए अपने, वो आप कैसे देख सकते हैं, वो आप अपने रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं, बिजनेस रिपोर्ट में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 तरीके से प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, या तो आप SKU वाइज सर्च करिए,
एसिन वाइज सर्च करिए, या यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, देखिए इनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, न्यूएस्ट वाले प्रोडक्ट पे लगाना है, ओल्डेस्ट पे लगाना है, सजेस्टेड पे लगाना है। तो सजेस्टेड पे अभी हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आप एक नए सेलर हैं तो सजेस्टेड पे क्लिक करिए। तो अमेज़ॉन चाहता है कि आप इन प्रोडक्ट पे ऐड चलाओ, क्योंकि अमेज़ॉन के हिसाब से ये प्रोडक्ट अच्छे बिक सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो नए प्रोडक्ट पे लगाना चाहें तो यहाँ पे न्यूएस्ट फर्स्ट पे करेंगे। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप सजेस्टेड पे ही लगाएं यहाँ पे। ठीक है, आप इसके अलावा लगाना चाहें तो सर्च बाई एसिन कर सकते हैं। अब आपको आपने 100 रुपये पर डे लगाया है तो उस हिसाब से ही आप प्रोडक्ट रखिए, दो ही प्रोडक्ट इसमें आप ऐड करिए। देखिए मैंने दो प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं, राइट। और ये सेम प्रोडक्ट है तो इसको हम हटा देते हैं। एक हम ये वाला प्रोडक्ट रख लेते हैं, एक हम ये वाला प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट दोनों अलग अलग रखिए, क्योंकि रेड भी अगर आप रखेंगे ब्लैक भी रखेंगे तो आई गेस ये कोई वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो रेड देखेगा वो ब्लैक भी उस पर क्लिक करके देख ही लेगा। तो उसको दो में से कोई भी पसंद आ गया तो बढ़िया है, बाकी आप चाहें अलग अलग प्रोडक्ट ही यहाँ पे रखिए। सेम आप अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हैं आपके, ज़्यादा प्रोडक्ट पे ऐड चलाना चाहें तो एंटर लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एसिन लिख सकते हैं, कॉमा लगा के, फिर दूसरा एसिन, फिर कॉमा लगा के तीसरा एसिन करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या आप लिस्ट अपलोड कर सकते हैं एसिन की, ये CSV फाइल डाउनलोड करके इसमें एसिन डाल के इसको अपलोड करके ऐड चला सकते हैं, बट यहाँ पे सर्च से ही काफ़ी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि 100 का बजट है, 50 का बजट है तो एक ही पे लगाइए, 500 का बजट है तो आप कम से कम 10 प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। तो 50 रुपये एक प्रोडक्ट के लिए तो आप ज़रूर रखिए डेली का। ठीक है, अब ये हो गया, प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया हमारा। अब मैनुअल टारगेटिंग हमने सेलेक्ट किया था। मैनुअल टारगेटिंग मतलब आप खुद कीवर्ड डिसाइड करोगे, राइट। ऑटोमेटिक टारगेटिंग करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अभी हमने मैनुअल टारगेटिंग करा है तो मैनुअल टारगेटिंग में भी दो ऑप्शन है, कीवर्ड के थ्रू टारगेटिंग या प्रोडक्ट के थ्रू टारगेटिंग। ठीक है, कीवर्ड के थ्रू टारगेटिंग मतलब आप कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करोगे, उन पे आपका प्रोडक्ट टारगेट होगा बायर को। और प्रोडक्ट टारगेटिंग मतलब आप कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे जो ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रहे हैं, या कोई कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, तो कीवर्ड सबसे पहले देख देते हैं, हम प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट पे नहीं चलाना ही बेहतर होता है, तो इसको मैं हम समझ लेते हैं, बाकी कीवर्ड पे हम चलाएंगे तो कीवर्ड को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सर्च का ऑप्शन है, कोई भी एसिन आप सर्च करिए यहाँ पे जो ऑलरेडी अमेजोन पे अच्छा बिक रहा है। तो आप चाहते हैं कि जब भी वो प्रोडक्ट कोई देखे तो आपका प्रोडक्ट सजेस्टेड में आए या फिर कहीं पर आसपास दिखे, तो फिर आप यहाँ पे एसिन कोई भी जो ऑलरेडी सेल हो रहा है अमेजोन पे उस पर एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट टारगेटिंग, जो आपको बताने लायक है यहाँ पे मैंने बता दिया। आप चाहे तो कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट शो होना चाहिए, वो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट होता है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल टारगेटिंग ही होती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट टारगेटिंग मैं कमी सजेस्ट करता हूँ, बट आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, जिसमें रिजल्ट अच्छा आएगा उसी को आप रन करिए। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग है जो कि मेन है जो आपको करना है। तो कीवर्ड टारगेटिंग आपको कैसे करनी है, सेम एक सजेस्टेड कीवर्ड्स की लिस्ट डाल के कर सकते हैं या कीवर्ड्स की फाइल अपलोड करके कर सकते हैं। तो फाइल अपलोड और एंटर लिस्ट तो आप छोड़ सकते हैं, बट आप सजेस्टेड में ज़रूर जाइए। सजेस्टेड में सबसे पहले बिडिंग सेलेक्ट करिए, यहाँ से सजेस्टेड कीवर्ड जो कि अमेज़ॉन ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करेगा, यहाँ पे आप बिडिंग सबसे पहले सेलेक्ट करिए। बिडिंग तीन तरीके की है यहाँ पे, एक है सजेस्टेड बिड, मतलब जो भी कीवर्ड आएगा उस पर कुछ ना कुछ अमेज़ॉन सजेस्ट करेगा, आपको उस उतना ही बिडिंग रखनी पड़ेगी। बिडिंग का मतलब एक क्लिक पे कितने रुपए दोगे, ठीक है, या उससे ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। कस्टम बिड मतलब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे बिड। डिफ़ॉल्ट बिड मतलब ऑटोमेटिक, ये देखिए डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट 3 रुपये तो डिफॉल्ट होता है अमेजोन का एक क्लिक पे। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सजेस्टेड बिड पे रखिए, या आपका अभी शुरू में पैसा कम है, आपके पास लो बजट है तो कस्टम बिड आप रखिए, और मिनिमम आप इसको 1 रुपया रख सकते हैं, तो मैं इसको 1 रुपये रख लेता हूँ, राइट, ताकि 1 रुपया आपका पर क्लिक पे जाए। कस्टम बिड आपने करा हुआ है, आप चाहें सजेस्टेड या डिफॉल्ट भी सर्च सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब फिल्टर बाई, ये जो कीवर्ड्स हैं इनको आप किस तरीके से फिल्टर करना चाहोगे, ब्रॉड, फ्रेज या एग्जैक्ट। तो इन तीनों को पहले तो हम हटा देते हैं। ब्रॉड का मतलब है कि मान के चलिए मैंने वुमेन सैंडल पे चलाया है तो स्लीपर वुमेन भी कोई लिखेगा तो उस पर भी मेरा प्रोडक्ट आएगा। सैंडल वुमेन, देखिए अलग ही कुछ लिख रहा है कस्टमर तो फिर भी मेरा प्रोडक्ट आ सकता है उसकी रैंकिंग पे। ठीक है, तो ये हो गया ब्रॉड, मतलब ज़्यादा काफ़ी बड़ा इसमें कीवर्ड्स का रेंज एक्वायर हो गया। ठीक है, फ्रेज का मतलब है किसी ने कुछ भी सेलेक्ट किया
तो उसके रिलेटेड अगर मेरा प्रोडक्ट है, जैसे किसने फ्लैट सैंडल वुमेन स्टाइल किया, तो मैंने इस कीवर्ड को नहीं सेलेक्ट कर रखा है, फिर भी मैंने अगर ये कर रखा है तब भी मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा, तो हो गया फ्रेज। एग्जैक्ट का मतलब सेम टू सेम कीवर्ड जब सेलर बायर सर्च करेगा तभी मेरा प्रोडक्ट आएगा। तो एग्जैक्ट तो आप मत रखिए, ये बड़े सेलर्स के लिए ब्रॉड में आप रखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट बाई, तो शॉर्ट बाई का मतलब है ये जो कीवर्ड्स आप देखना चाहते हैं ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर देखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लिक, तो ऑब्वियसली हम अकॉर्डिंग टू ऑर्डर से यहाँ पे देखना चाहेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली ऑर्डर से मतलब है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो ऑर्डर आते हैं सैंडल के वो आते हैं स्लीपर वुमेन पे, ठीक है, उसके बाद सैंडल वुमेन पे, एक्वालाइट स्लीपर वुमेन पे, तो इनमें से जो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सैंडल वुमेन यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कीवर्ड, उसके बाद मैं यहाँ से फ्लैट्स भी सर्च करते हैं ये क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे फैशन सैंडल क्लिक करूँगा, ठीक है। जितने ज़्यादा कीवर्ड आप करोगे उतने ज़्यादा कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट जाएगा, बट उतनी जल्दी क्लिक होंगे और उतना जल्दी आपका बजट चला जाएगा। जितने एक्यूरेट कीवर्ड पे डालोगे उतना आपका बजट जो है वो लेट तक चलेगा और उतनी सेल्स कन्वर्जन ज़्यादा होगी, तो एक्यूरेट ही रखें तो बेहतर है, ठीक है। बाकी आप मेरे हिसाब से 3 या मैक्सिमम 4 से 5 आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये फ्लैट सैंडल एक कर लेते हैं, एक गर्ल सैंडल कर लेते हैं, तो लगभग हमने 5 यहाँ पे कर लिए हैं। बिडिंग हमने सबकी 1 सेलेक्ट कर ली थी, आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 1 से नीचे तो नहीं कर सकते। वैसे जो अमेज़ॉन सजेस्ट कर रहा है वो इतना कर रहा है, देख लीजिए 1 क्लिक पे इतने रुपये, 1 क्लिक के इतने रुपये, तो आप चाहें तो सजेस्टेड भी रख सकते हैं। सजेस्टेड तभी रखें जब आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, आप एक बड़े सेलर हैं, क्योंकि सजेस्टेड का मतलब है इतना रखोगे तो कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर आपके बहुत सारे होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए सजेस्टेड ये रखा जाता है, जिसकी बिडिंग सबसे ज़्यादा होती है उसका सबसे ऊपर एड आता है, क्योंकि आप ही की कैटेगरी में हो सकता है और भी सेलर ने एडवर्टीजमेंट चलाया हुआ हो, तो सजेस्टेड उस हिसाब से होता है। अप्लाई ऑल करेंगे तो सजेस्टेड लग जाएगा, बाकी हम 1 रुपये इस पर अभी रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है नेगेटिव टारगेटिंग। नेगेटिव टारगेटिंग का सिंपल सा मतलब है आप चाहते हो कि किसी वर्ड पे आपका प्रोडक्ट रैंक ना करे, जैसे वुमेन सैंडल है तो कोई अगर हील्स लिखे तो आपका प्रोडक्ट रैंक ना करे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे तो देखिए इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल है नहीं, ये ऑप्शनल है, बट चाहें तो फिर भी लिख सकते हैं, बट इसको मैं अभी नहीं लिखूँगा। अब ये सारा अपना एडवर्टीजमेंट कैंपेन चालू हो चुका है, मतलब सेटअप हो चुका है, 100 रुपये हमने डेली बजट रख लिया है, नेक्स्ट इतने दिनों तक हमारा ये एडवर्टीजमेंट चलेगा, लगभग 1400 रुपये इसमें कटेंगे आपके, जो कि आपका आने वाले सेटलमेंट में से जाएगा, प्लस 1 घंटे का बाद आपका आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। 1 घंटे बाद आप सर्च करिए गर्ल सैंडल, फ्लैट सैंडल वुमेन, ये इन 5 में से कोई भी एक कीवर्ड एग्जैक्ट अगर आप लिखेंगे तो आपका प्रोडक्ट लगभग पहले पेज, दूसरे पेज या तीसरे पेज पे आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है पहले पेज पे ही आए, 5 पेज तक भी आ सकता है, 10 पेज तक भी आ सकता है। 10 पेज तक भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाखों करोड़ों प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे हैं जिनमें से हज़ारों लाखों प्रोडक्ट पे एड्स लगे हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट को सेटअप कर सकते हैं। सीधे आपने यहाँ पे लॉन्च कैंपेन कर देना है। अभी मैं लॉन्च नहीं करूँगा क्योंकि ये जस्ट ट्यूटोरियल के लिए था, इसको सेव एज ड्राफ्ट में कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। कैंसिल करने के बाद फिर से हम स्पॉन्सर्ड ऐड में चले जाते हैं जो हमारा मेन पेज था, और यहाँ पे जब हम ड्राफ्ट में जाएंगे तो ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन हमारा दिखेगा वुमेन सैंडल। आप जब चाहें इसको रन कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट क्रिएट कैंपेन, ऑब्वियसली सारी डिटेल्स हम इसमें फिल कर चुके थे, लॉन्च कैंपेन कर सकते हैं। तो ये था अमेज़ॉन की एडवर्टीजमेंट का A to Z हिस्ट्री। बाकी इसमें कस्टमाइजेशन आपको थोड़ा अपने हिसाब से करना पड़ेगा, मेरा काम था आपको क्लियर समझाने का कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है, किस किस तरीके से होता है। देखिए फ्लिपकार्ट क्या होता है, अगर मैं कंपेयर करूँ तो फ्लिपकार्ट क्लिक्स के भी पैसे देने का मन है आपका तो क्लिक्स के दीजिए, सेल पे पैसे देने का मतलब है मन है तो सेल पे दीजिए, ROI होता है CPC, बट अमेज़ॉन पे सिर्फ क्लिक का ही होता है कि क्लिक पे ही आपको पैसा देना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप अपने क्लिक्स को, अपने एडवर्टीजमेंट को कस्टमाइज़ करिए। बाकी जितना भी आपका मंथली प्रॉफिट है एटलीस्ट उसका 10 से 20% आप एडवर्टीजमेंट के लिए ज़रूर निकाल के रखिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट को हर मार्केट प्लेस सपोर्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी उसमें फ़ायदा होता ही होता है, राइट। तो इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं अमेज़ॉन पे। बाकी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, छोटी भी कोई
छोटी से छोटी हेल्प भी अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा भी हेल्प मिली है मेरी इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए आगे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप सेलिंग ऑन अमेज़न।